का साहब, आपके सिख साहब, श्री रवीर सिंह अग्रवाल साहब, उनसे भी अनुरोध है कि वो भी यहाँ पर स्टेज पर आ जाए। मैं श्री अरुण कुमार गर्ग साहब, सीएम सिंह साहब, श्री डीसी सक्सेना साहब, श्री एसएस परमार साहब, सर्वेश नारायण मिश्रा जी, एनएन गिरी साहब और ब्रजेश दुबे जी। साथियों, हर्ष का विषय है कि आज जब हम अपना स्वर्ण जयंती समारोह मना रहे हैं तो हमारे बीच वो वरिष्ठ साथी भी मौजूद हैं जिन्होंने इस विभाग में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है, चाहे वो विभाग अध्यक्ष रहे हों, मुख्य अभियंता हों, अधीक्षण अभियंता रहे हों, या अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता, अवर अभियंता या लिपिक वर्ग के साथी, या हमारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। सबकी अपनी अपनी जगह बहुत अहमियत रही है। सब ने अपनी जिम्मेदारियों को पूरी लगन और निष्ठा से पूरा किया है और तब जाके 1972 में लगाया गया एक छोटा सा पौधा आज एक तनावर दरख्त की शक्ल में हमारे सामने है। आज जो साथी हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं उनको सम्मानित करते हुए जहाँ हमें बेहद खुशी है वहीं हमें अफसोस भी है कि आज हमारे बहुत से साथी, वरिष्ठ साथी, स्वास्थ्य या अन्य कारणों से हमारे बीच नहीं आ सके हैं। हम उन सब के स्वास्थ्य और सुखमय जीवन की कामना करते हैं। हमारे बहुत से साथी अब इस दुनिया में भी नहीं हैं, आज हम उनको भी याद करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। हमारे बीच उपस्थित साथियों का सम्मान करने से पहले मैं अपने पूर्व विभाग अध्यक्ष स्वर्गीय कृष्ण मुरारी श्रीवास्तव और श्री एम आर सिद्दीकी साहब का जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ। स्वर्गीय के एम श्रीवास्तव साहब ने आज ही के दिन वर्ष 1972 में पहले विभाग अध्यक्ष के रूप में योगदान किया था और 31 मार्च 1980 को इस विभाग से विभागाध्यक्ष के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। केएम श्रीवास्तव साहब मूलतः सिंचाई विभाग के अभियंता थे, परंतु इस विभाग में योगदान के उपरांत इसी विभाग को गति देने में लग गए और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। नवगठित विभाग का संचालन एक बहुत बड़ा चैलेंज था जिसे आपने अपने अनुभवों, अपनी कार्यकुशलता से बखूबी निभाते हुए विभाग को स्थायी विभाग की ओर ले जाने का काम किया। प्रारंभिक काल में संसाधनों की कमी के बावजूद भी विभाग अध्यक्ष की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया और नए पदों की स्वीकृत, तकनीकी ऑडिट सेल की स्थापना, पूर्व स्वीकृत अस्थायी पदों को स्थायी घोषित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 1979 में अन्य विभागों की तरह इस विभाग में भी 4 अधीक्षण अभियंताओं के पद स्वीकृत कराए जिससे आगे के रास्ते आसान हो सके। आज हम स्वर्गीय श्री कृष्ण मुरारी श्रीवास्तव को उनके विभाग में दिए गए योगदान और विभाग के कर्मियों को दिए गए निर्देश और स्नेह के लिए शत शत नमन करते हैं। इसके बाद श्री एम आर सिद्दीकी साहब का नाम आता है। आपने भी 1972 में इस विभाग में अधिशासी अभियंता के रूप में योगदान किया था और 31 मार्च 1997 को निदेशक के मुख्य अभियंता के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। आप भी सिंचाई विभाग से आए थे। अपनी मेहनत, लगन और कार्यकुशलता के कारण जल्दी आप अधीक्षण अभियंता के पद पर पदोन्नत पाए।
उसके बाद मुख्य अभियंता हुए ऑफ द डिपार्टमेंट हुए, और जब विभाग में निदेशक एवं मुख्य अभियंता का पद स्वीकृत हुआ तो पहले निदेशक एवं मुख्य अभियंता नियुक्त हुए। एक लंबे ऐसे विभाग का काम देखने के बाद 31/3/1997 को सेवानिवृत्त हुए। सिद्दीकी साहब अपने आप में एक बहुत अहम शख्सियत रहे हैं। आपकी मधुर बोली, मुस्कुराहट सहज ही किसी को प्रभावित कर सकती है। एक समय था जब विभाग को आपके नाम से जाना जाता था। उनके कार्यकाल में बहुत से महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं, जिनमें सहायक अभियंताओं और अवर अभियंताओं की नियुक्ति, अधिशासी अभियंताओं और अधीक्षण अभियंताओं की पदोन्नति, नए प्रखंडों का सृजन, नए परमंडलों का गठन, स्थापना संबंधी महत्वपूर्ण प्रकरणों का निस्तारण उनके कार्यकाल में हुआ। विभाग के कारोबार में काफ़ी वृद्धि हुई। बीआरसी और विकास भवन जैसे महत्वपूर्ण कार्य शासन स्तर से सीधे स्वीकृत हुए और उनका आवंटन विभाग को प्राप्त हुआ। आज वो हमारे बीच नहीं आ सके हैं, लेकिन उनका संदेश और शुभकामनाएं हमें प्राप्त हुई हैं, जिसके लिए हम सब उनके आभारी हैं और उनके स्वस्थ और सुख में जीवन की कामना करते हैं। हमारे बीच इंजीनियर विजय कुमार माथुर साहब मौजूद हैं। आपने विभाग में 1989 में निदेशक मुख्य अभियंता के पद पर योगदान किया था और 1992 में अपने पैरेंट डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी में वापस चले गए थे, और वहीं से 31/1/1994 को मुख्य अभियंता स्तर एक से सेवानिवृत्त हुए। आपने अपने कार्यकाल में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया। आपका मानना था कि कारोबार को बढ़ाने से अधिक हमें अपनी गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए। अगर हमारी गुणवत्ता अच्छी होगी तो हमारा कारोबार अपने आप बढ़ जाएगा। आज वो हमारे बीच मौजूद हैं। मैं निदेशक मुख्य अभियंता श्री विजेंद्र कुमार जी से अनुरोध करूँगा कि वो आएँ और श्री विजय कुमार माथुर साहब को स्मृति चिन्ह और बुके भेंट कर उनको सम्मानित करने का कष्ट करें। हमारे बीच इंजीनियर एमएम संगल साहब नहीं हैं, उनका कार्यक्रम था, लेकिन किन्हीं कारणों से लास्ट मोमेंट पे वो नहीं आ सके। इंजीनियर राम प्रकाश साहब और वीके गोयल साहब और वाई के माथुर साहब भी स्वास्थ्य कारणों से हमारे बीच नहीं हैं। उमाशंकर साहब हमारे बीच नहीं हैं। उमाशंकर साहब के बारे में थोड़ा बताना ज़रूरी है कि उनका लंबा कार्यकाल रहा है। उन्होंने विभाग में 22/1/1983 को सहायक अभियंता के रूप में आजमगढ़ में योगदान किया था और 31/2/2017 को निदेशक एवं मुख्य अभियंता के पद से सेवानिवृत्त हुए। 10 वर्ष के कार्याध्यक्ष के कार्यकाल में भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का सफलतापूर्वक संचालन किया। इस योजना के अंतर्गत 4,936 मार्गों का निर्माण हुआ। उसके अलावा डॉक्टर अम्बेडकर समग्राम योजना और डॉक्टर लोहिया समग्राम योजना के अंतर्गत गाँव की आंतरिक गलियों में 16,667 गाँवों में 20,712 किलोमीटर सीसी रोड का निर्माण और 33,763 किलोमीटर नाली निर्माण का काम आपके पीरियड में हुआ। उसके अलावा और भी बहुत सी योजनाओं में काम हुआ है। आपके कार्यकाल में विभाग में कंप्यूटराइजेशन, ई गवर्नेंस, ई ट्रेंडिंग का काम और आईटी सेल की स्थापना भी हुई। मैं अनुरोध करूंगा निदेशक एवं मुख्य अभियंता श्री विजेंद्र कुमार जी और मुख्य अभियंता श्री वीरपाल राजपूत जी से कि वो भी स्टेज पर आ जाएं। हमारे बीच मौजूद हैं इंजीनियर आर पी सिंह साहब। आपने 21/1/1983 को सहायक अभियंता फैज़ाबाद के रूप में ज्वाइन किया था
और 31 अक्टूबर 2018 को निदेशक एवं मुख्य अभियंता के पद से आप सेवानिवृत्त हुए। विभाग में आप जिन पदों पर रहे आपने समस्त उत्तरदायित्वों का निर्वहन पूर्ण दक्षता और निष्ठा से किया। काफ़ी समय आप मुख्यालय पर स्थापना अनुभाग एक का काम देखा है। इस अवधि में अधिशासी अभियंताओं, अधीक्षण अभियंता और मुख्य अभियंताओं के पदोन्नत से संबंधित सूचनाएं समय से शासन को भेजकर समय से पदोन्नत कराने में एक महत्वपूर्ण योगदान अदा किया है। ई गवर्नेंस कंप्यूटराइजेशन के काम में भी आपकी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मैं अनुरोध करूंगा निदेशक मुख्य अभियंता इंजीनियर विजेंद्र कुमार जी से कि वो इंजीनियर आर पी सिंह साहब का बुके और स्मृति चिन्ह भेंट कर मानित करने का कष्ट करें। हमारे बीच मौजूद हैं इंजीनियर रविंद्र सिंह गंगवार साहब, आप सभी अच्छी तरह से आपको जानते हैं। आपने 9 सितंबर 1983 को इस विभाग में सहायक अभियंता के पद पर योगदान किया था और 30 जून 2020 को निदेशक एवं मुख्य अभियंता के पद से आप सेवानिवृत्त हुए। विभाग में आप जिन पदों पर रहे हैं आपने अपनी जिम्मेदारियों को पूरी लगन और निष्ठा से पूरा किया है। सहायक अभियंता के रूप में आप जनपद काशीपुर में रहे हैं, वहाँ स्टेडियम का निर्माण कराया। जनपद हरदोई में 125 प्राइमरी स्कूलों का निर्माण आपके कार्यकाल में हुआ और अधिशासी अभियंता के रूप में आपने बिठूर में पर्यटन विकास के कई काम कराए। वर्ष 2008-09 में जब अम्बेडकर योजना आरंभ हुई तो अधीक्षण अभियंता के रूप में उसका सफल संचालन किया। विभागाध्यक्ष के रूप में आपके कार्यकाल में सभी जनपदों में PIU की स्थापना हुई। मैं अनुरोध करूंगा निदेशक मुख्य अभियंता श्री विजेंद्र कुमार जी से कि वो इंजीनियर रविंद्र सिंह गंगवार जी को बुके और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करने का कष्ट करें। हमारे बीच उपस्थित हैं इंजीनियर दिनेश कुमार जी। आप 2 जुलाई 1985 में जनपद बलिया में सहायक अभियंता के रूप में विभाग में आए थे और 30 सितंबर 2021 में निदेशक एवं मुख्य अभियंता के पद से आप सेवानिवृत्त हुए। 1985 में अधिशासी अभियंता के पद पर पदोन्नत के बाद लगभग 21 वर्ष विभिन्न जनपदों में भवन और मार्गों का निर्माण आपने कराया है। TAC में भी आप रहे हैं प्राविधिक परीक्षक के रूप में और मुख्यालय पर स्थापना अनुभाग के दायित्वों का निर्वहन भी आपने किया है। अधीक्षण अभियंता के रूप में भी आप कई मंडलों में रहे हैं और निदेशक अभियंता का 1/7/2001 से लेकर सेवानिवृत्त होने तक आपने अपनी पूरी निष्ठा और लगन से अपने दायित्वों का निर्वहन किया। मैं निदेशक मुख्य अभियंता श्री विजेंद्र कुमार जी से अनुरोध करूँगा कि वो इंजीनियर दिनेश कुमार जी का बुके और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करने का कष्ट करें। इसके बाद हमारे बीच उपस्थित हैं मुख्य अभियंता जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं श्री सच्चिदानंद पांडे जी। आप विभाग में 9 सितंबर 1983 में सहायक अभियंता के रूप में आए थे और 30 जून 2020 में मुख्य अभियंता पश्चिमी के पद से आप सेवानिवृत्त हुए। आप विभाग में जिन पदों पर रहे हैं आपने अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा और लगन से पूरा किया है। अभी आपने जो स्मारिका आपके हाथों में है इसके प्रकाशन में भी आपका बहुत योगदान रहा है। मैं अनुरोध करूंगा मुख्य अभियंता श्री वीरपाल राजपूत जी से कि वो यहाँ पर उपस्थित हमारे मुख्य अभियंता SN पांडे जी को बुके और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करने का कष्ट करें।
हमारे बीच यूपीईए के अध्यक्ष श्री निरंजन जी और महासचिव श्री आशीष यादव साहब मौजूद हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आएँ। आज हमारे बीच कुछ ऐसे साथी भी मौजूद हैं जिन्होंने विभाग में कुछ समय अपनी सेवाएं दी और उसके बाद डिपुटेशन पे मंडी परिषद NHI या फिर उत्तराखंड बनने पर उत्तराखंड में चले गए। हमें खुशी है कि इन्होंने अपनी प्रतिभा और कार्यकुशलता से नए विभाग में न सिर्फ अपना विशिष्ट स्थान बनाया बल्कि विभाग का नाम भी रोशन किया है। जहां हमें एक तरफ खुशी है कि ये लोग उच्च पदों पर पहुंचकर सेवानिवृत्त हुए या अभी कार्यरत हैं, वहीं हमें थोड़ा सा अफसोस इस बात का है कि अगर ये लोग विभाग में रहते तो इनकी प्रतिभाओं का, इनके कार्यकुशलता का लाभ इस विभाग को मिलता। इस कड़ी में मैं सबसे पहले DC सक्सेना साहब का नाम लेना चाहूँगा जो उत्तराखंड राज्य के गठन के बाद उत्तराखंड में चले गए। उससे पहले अधिशासी अभियंता के रूप में देहरादून में कार्यरत थे और वहाँ पे आपने विकास भवन का निर्माण कराया जिसमें आज उत्तराखंड विधानसभा स्थापित है। उत्तराखंड में आप मुख्य अभियंता के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। मैं अनुरोध करूँगा इंजीनियर वीरपाल राजपूत जी से कि वो श्री DC सक्सेना साहब का स्वागत बुके और स्मृति चिन्ह भेंट कर करने का कष्ट करें। हमारे बीच मौजूद हैं श्री SS परमार जी जिन्होंने विभाग में सहायक अभियंता के पद पर योगदान किया था, फिर उत्तराखंड बनने के बाद अब उत्तराखंड में चले गए। उससे पहले विभाग में जब आप थे तो देहरादून में जो विकास भवन बना है जिसमें आज उत्तराखंड की विधानसभा स्थापित है वो भी आपके द्वारा निर्माण कराया गया है। परमार साहब बाद में मंडी परिषद में चले गए और जहाँ पर मुख्य अभियंता मंडी परिषद के पद से सेवानिवृत्त हुए, मैं इंजीनियर वीरपाल राजपूत जी से अनुरोध करूँगा कि वो श्री SS परमार जी का सम्मान बुके और स्मृति चिन्ह भेंट कर करने का कष्ट करें। हमारे बीच मौजूद हैं श्री SN मिश्रा जी। मिश्रा जी 1985 में हमारे साथ ही विभाग में आए थे, उन्नाव में आपने ज्वाइन किया था, आपने उन्नाव का विकास भवन भी बनवाया है, लेकिन बाद में ये मंडी परिषद में चले गए और वहाँ पर मुख्य अभियंता मंडी परिषद के पद से सेवानिवृत्त हुए। मैं अनुरोध करूँगा वीरपाल राजपूत जी से कि वो श्री मिश्रा जी का सम्मान बुके और स्मृति चिन्ह भेंट कर करने का कष्ट करें। हमारे बीच मौजूद हैं NN गिरी साहब। आप भी विभाग में सहायक अभियंता के पद पर आए थे 1985 में और फिर ये डिपुटेशन पे NHI में चले गए और वर्तमान में भी NHI में कार्यरत हैं। अभी दो दिन पहले ही आपको माननीय मंत्री सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार श्री नितिन गडकरी जी से अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। वर्तमान में प्रोजेक्ट डायरेक्टर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण लखनऊ में हैं। मैं अनुरोध करूंगा वीरपाल राजपूत जी से कि आप श्री NN गिरी जी का स्वागत सम्मान बुके और स्मृति चिन्ह भेंट कर करने का कष्ट करें। हमारे बीच मौजूद हैं इंजीनियर ब्रजेश दुबे जी।
दुबे जी 1989 में इस विभाग में सहायक अभियंता के पद पर आए थे और अधिशासी अभियंता के पद से सेवानिवृत्त हुए, लेकिन ये विभाग के लिए बहुत खुशी की बात है और ये गर्व की बात भी है कि आप इस वक्त UPRRDA में तालियां पहले ही बज चुकी हैं, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, SQC के पद पर कार्यरत हैं और विभाग का न सिर्फ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं बल्कि विभाग को आपसे काफ़ी सहायता भी मिलती है। मैं अनुरोध करूंगा वीरपाल राजपूत जी से कि वो श्री दुबे जी का सम्मान बुके भेंट कर और स्मृति चिन्ह भेंट कर करने का कष्ट करें। अब इस कड़ी में आगे जो सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियंता हैं उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम है। माफ़ कीजिएगा, दो बहुत ही महत्वपूर्ण शख्सियत को मैं सम्मानित करने से भूल गया, उनको मैंने बुलाया था। हमारे बीच UPA के अध्यक्ष श्री निरंजन जी मौजूद हैं, जिनको विभाग के बहुत से कामों में आपका बहुत ही सहयोग रहा है। पदोन्नत का मामला हो या और भी कोई मामला हो, इसमें आपने शासन स्तर पर विभाग की बहुत मदद की है। मैं इंजीनियर वीरपाल राजपूत जी से अनुरोध करूंगा कि वो श्री निरंजन जी और महासचिव श्री आशीष यादव जी का सम्मान बुके और स्मृति चिन्ह भेंट कर करने का कष्ट करें। इसके बाद सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियंताओं को सम्मानित करने का कार्यक्रम है। मैं अनुरोध करूंगा कि वो लोग अब स्टेज पर तशरीफ़ ले आएं। मैं अनुरोध करूंगा वीरपाल राजपूत जी से कि वो श्री BN तिवारी जी को बुके और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करने का कष्ट करें। हमारे बीच मौजूद हैं जयप्रकाश जी, आपने 30 अक्टूबर 1983 को अपने सहायक अभियंता के पद पर शाहजहाँपुर में योगदान किया था और 30 जून 2010 को अधीक्षण अभियंता फैज़ाबाद के पद से आप सेवानिवृत्त हुए। आपके कार्यकाल में फैज़ाबाद में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के काफ़ी काम हुए हैं और उनकी जांच के लिए एक समिति आई थी। ग्रामीण विकास मंत्रालय की स्थायी समिति की उप समिति द्वारा वो निरीक्षण किए गए थे और उसमें वो काम बहुत सराहे गए थे और आपको प्रशंसा पत्र दिया गया था। मैं अनुरोध करूंगा इंजीनियर या खान साहब से कि वो श्री जयप्रकाश जी का बुके और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करने का कष्ट करें। हमारे बीच मौजूद हैं इंजीनियर CV पांडे साहब, चंद्रभूषण पांडे जी। आपने 19 दिसंबर 1979 को बस्ती में सहायक अभियंता के पद पर योगदान किया था और 30 जून 2015 को अधीक्षण अभियंता मॉनिटरिंग मुख्यालय से आप सेवानिवृत्त हुए थे। बस्ती के कार्यकाल में आपने PHC बस्ती
और महाराजगंज में PHDHC का निर्माण कराया। विकास भवन उरई के निर्माण में भी आपका काफ़ी योगदान रहा है। आप जब रायबरेली में एक्सियन थे तो PMJSY की काफ़ी काम आपने कराए हैं, बहुत सड़कों का निर्माण कराया है। और जो टीम आई थी PMJSY के कामों को देखने के लिए भारत सरकार की, उस समय आप रायबरेली में थे और उस टीम ने वहाँ के कार्यों की भी प्रशंसा की थी। जब आप अधीक्षण अभियंता मॉनिटरिंग थे तो उस वक्त परफॉर्मेंस ऑडिट का काम चल रहा था, एक बहुत महत्वपूर्ण काम था और वो आपके पीरियड में संपादित हुआ। उसमें सूचना इकट्ठा करना, ऑडिट को देना, फिर ऑडिट के आपत्तियों का जवाब देना, ये एक बहुत ही मुश्किल काम था जिसको आपने काफ़ी मेहनत से इसको पूरा किया। मैं अनुरोध करूँगा आदित्य प्रकाश जी से कि वो श्री सी वी पांडे जी को बुके और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करने का कष्ट करें। हमारे बीच मौजूद हैं इंजीनियर MM रिजवी साहब, मोहम्मद मेहंदी रिजवी साहब। आपने 30 दिसंबर 1983 को इस विभाग में सहायक अभियंता के पद पर योगदान किया था और 31 अक्टूबर 2015 को अधीक्षण अभियंता फैजाबाद के पद से आप सेवानिवृत्त हुए। आप विभाग में जहां भी रहे हैं, आपका कार्यकाल, जहाँ जहाँ भी आपने, जिस पद पर भी आपने काम किया है, अपने समस्त उत्तरदायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा और लगन से किया है। मैं अनुरोध करूँगा इंजीनियर AR खान से कि वो श्री MM रिजवी साहब को बुके और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करने का कष्ट करें। माधव सक्सेना साहब हमारे बीच यहाँ मौजूद हैं, वो ऊपर तशरीफ़ ले आए। माधव सक्सेना साहब ने 21 सितंबर 1979 को जनपद लखनऊ में सहायक अभियंता के पद पर योगदान किया था और 30 नवंबर 2015 को अधीक्षण अभियंता परिमंडल अलीगढ़ से आप सेवानिवृत्त हुए। आपके कार्यकाल में RLGP 1 और 2 के अंतर्गत जो स्कूल बनाए गए थे, महत्वपूर्ण काम था, वो आपके पीरियड में हुआ। आपका काफ़ी समय मुख्यालय पे बीता है जहाँ आपने समूह का, खा और गा के अनुभागों का काम देखा है। सहायक अभियंताओं और अवर अभियंताओं के चयन की कार्रवाइयों को समय पे संपादित कराया और 200 से अधिक अवमानना वादों का निस्तारण आपके कार्यकाल में हुआ है। आपने ही अलीगढ़ परमंडल जब नया सृजित हुआ था तो उसके भवन का शुभारंभ किया और प्रखंड अमेठी में भी PMJSY योजना का शुभारंभ किया। मैं अनुरोध करूंगा AR खान साहब से, AC AR खान साहब से कि वो श्री माधव सक्सेना साहब को बुके और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करने का कष्ट करें। हमारे बीच मौजूद हैं SP राम साहब, शिव प्रसाद राम जी। आपने 28 मई 1985 को जनपद देवरिया में सहायक अभियंता के पद पर योगदान किया था और 30 जून 2017 को आप अधीक्षण अभियंता परिमंडल लखनऊ के पद से आप सेवानिवृत्त हुए। विभाग में आप जहाँ जहाँ भी रहे हैं, आपने बहुत मेहनत और लगन से काम किया है, अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छी तरह से पूरा किया है। मैं इंजीनियर आदित्य प्रकाश जी से अनुरोध करूंगा कि वो श्री SP राम साहब को बुके और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करने का कष्ट करें। थैंक यू।
हमारे बीच रामचंद्र जी ने 21 मई 1985 को इस विभाग में सहायक अभियंता के पद पर योगदान किया था और 31 जनवरी 2021 को अधीक्षण अभियंता परिमंडल मुरादाबाद के पद से आप सेवानिवृत्त हुए। आप भी विभाग में विभिन्न पदों पर रहे, प्रतापगढ़ और भी बहुत से जनपदों में आप रहे हैं। आपका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, जहाँ जहाँ भी रहे आपने बहुत मेहनत लगन से अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया है। मैं एआर खान साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और श्री रामचंद्र जी को बुके और स्मृत चिन्ह भेंट कर सम्मानित करने का कष्ट करें। हमारे बीच अजय सिंघल साहब मौजूद हैं। आपने 22 मई 1985 को इस विभाग में योगदान किया था सहायक अभियंता के रूप में टीएसी में और 30 जून 2021 को अधीक्षण अभियंता परिमंडल मेरठ के पद से आप सेवानिवृत्त हुए हैं। आप भी जहाँ जा रहे हैं बहुत मेहनत और लगन से और पूरी निष्ठा से आपने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया है। मैं अनुरोध करूंगा आदित्य प्रकाश जी से कि वो श्री अजय सिंघल जी को बुके और स्मृत चिन्ह भेंट कर सम्मानित करने का कष्ट करें। हमारे बीच मौजूद हैं इंजीनियर अवधेश मणि त्रिपाठी जी। आपने 25 जुलाई 1985 को चमौली गोपेश्वर में सहायक अभियंता के पद पर योगदान किया था और 30 जून 2021 को अधीक्षण अभियंता मुख्यालय से आप सेवानिवृत्त हुए। आप भी जहाँ जहाँ रहे हैं बहुत मेहनत लगन से अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया है। मैं अनुरोध करूँगा श्री एआर खान साहब से कि वो श्री अवधेश मणि त्रिपाठी जी को बुके और स्मृत चिन्ह भेंट कर सम्मानित करने का कष्ट करें। हमारे बीच मौजूद हैं इकराम उल हक खान साहब, यश खान साहब। आपने 25 जून 1985 को जनपद वाराणसी में सहायक अभियंता के पद पर योगदान किया था और 31 जुलाई 2021 को मुख्य प्राविधिक परीक्षक टेक्निकल ऑडिट सेल से आप सेवानिवृत्त हुए हैं। जनपद वाराणसी के विकासखंड नौगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय भेड़ फार्म के अंतर्गत एक बड़ा हाल था, ऑडिटोरियम हाल, जिसके डिज़ाइन करने में आपका बहुत योगदान रहा है। 13 मीटर बाई 29 मीटर का एक हाल था जो हॉलो ब्लॉक स्लेब में डिज़ाइन किया गया था। उसके अलावा आप जनपद बाराबंकी और उन्नाव में भी रहे हैं, जहाँ पीएम जेएसवाई के कामों को आपने बहुत मेहनत और लगन से करवाया है। मैं अनुरोध करूँगा श्री जेएस परमार साहब से कि वो श्री ईएस खान साहब को बुके और स्मृत चिन्ह भेंट कर सम्मानित करने का कष्ट करें। हमारे बीच मौजूद हैं सुशील कुमार यादव जी। आपने 17 मई 1985 को सहायक अभियंता के रूप में जनपद पौड़ी गढ़वाल में योगदान किया था और 31 जुलाई 2021 को अधीक्षण अभियंता परिमंडल सहारनपुर के पद से आप सेवानिवृत्त हुए हैं। आपके कार्यकाल में जो काम कराए गए बड़ी लंबी लिस्ट है। आरटीओ कार्यालय में झांसी में आपने आरटीओ कार्यालय भवन का निर्माण कराया, क्षेत्रीय ग्राम विकास संस्थान चिरगांव जो झांसी में है उसका निर्माण कराया, कृषि विज्ञान केंद्र बागपत में
उसका निर्माण आपके कार्यकाल में हुआ। ईवीएम गोदाम गाजियाबाद और गांधी पॉलिटेक्निक मुजफ्फरनगर का भी निर्माण कर आपके कार्यकाल में हुआ है और भी बहुत से काम आपने किए। मैं अनुरोध करूंगा श्री आदित्य प्रकाश जी से कि वो श्री सुशील कुमार यादव जी को सम्मानित करने का कष्ट करें। हमारे बीच मौजूद हैं जेपी वर्मा साहब हैं। आपने 23 सितंबर 1985 में पौड़ी गढ़वाल में सहायक अभियंता के पद पर योगदान किया था और आप अभी पिछले महीने ही परमंडल गोरखपुर से अधीक्षक अभियंता के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। आप विभाग के बहुत ही तेज़ अधिकारियों में से रहे हैं, बहुत ही आप में मैनेजर कैपेसिटी है। आप जहाँ जहाँ भी रहें आपने बहुत मेहनत लगन से और पूरी निष्ठा से अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया है। मैं अनुरोध करूँगा एआरफा साहब से कि वो श्री जेपी वर्मा साहब का स्वागत सम्मान बुके और स्मृति चिन्ह भेंट कर करने का कष्ट करें। हमारे बीच मौजूद हैं मोहम्मद अकरम साहब जिन्होंने 23 सितंबर 1985 को इस विभाग में सहायक अभियंता के पद पे योगदान किया था और अभी कल ही आप सेवानिवृत्त हुए हैं अधीक्षण अभियंता परिमंडल अलीगढ़ के पद से। आप भी विभाग में जिन जिन पदों पे रहे जहाँ भी रहे हैं बहुत मेहनत लगन और निष्ठा से आपने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया है। मैं अनुरोध करूंगा जयस परमार साहब से कि वो श्री मोहम्मद अकरम साहब को बुके और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करने का कष्ट करें। इस मंच पर कार्यक्रम को संचालित कर रहे खुशर जलीस अहमद साहब हमारे बीच में मौजूद हैं और उन्होंने संचालन का काम बहुत अच्छा किया, लेकिन उन्होंने अपना नाम सबसे आखिर में लेने से भूल रहे थे। तो मैं सोच रहा हूँ मैं उनको इस बारे में मुबारकबाद देते हुए, इस स्वर्ण जयंती के अवसर में मुबारकबाद देते हुए उनके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। के जे अहमद साहब ने 23 मई 1985 में सहायक अभियंता उन्नाव पे योगदान किया था विभाग में और अपने यहाँ पे मुख्य प्राविधिक परीक्षक टेक्निकल ऑडिट सेल से 31 जनवरी 2021 को सेवानिवृत्त हुए। इन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत सारे विभाग में ऐसे काम किए जो इनके बारे में इनको बराबर याद किया जाता रहा है। विभाग में ई टेंडरिंग, ई गवर्नेंस, कंप्यूटराइजेशन, आईटी सेल की स्थापना, सीसी रोड के कार्यों का महत्वपूर्ण योजना का निष्पादन और मॉनिटरिंग, समूह काखा गा के स्थापना विवरणों का संपादन करना तथा मुख्य प्राविधिक परीक्षक के रूप में बहुत सारे जनपदों में गुणवत्ता की जांच और उनको दिशा निर्देश देने के कार्य किया। इनका यही एक काम नहीं बल्कि इन्होंने जो स्मारिका भी है इसमें संपूर्ण योगदान इनका रहा है। इन्होंने अपने मेहनत लगन और अपनी क्षमता से अधिक कार्य करके हमारे इस स्वर्ण जयंती समारोह की उसको काफ़ी स्वर्णिम बनाया है। परमार साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, जितेंद्र सिंह परमार साहब से कि के जे अहमद साहब का बुके और स्मृति चिन्ह दे करके स्वागत करें। और एयर खान साहब
परमार साहब से रिक्वेस्ट है कि के जे अहमद साहब का स्पीच दे करके स्वागत करें। इस अवसर पर मुझे के जे अहमद साहब का स्वागत करते हुए बड़ा हर्ष हुआ और मैं ये मंच को दोबारा से साझा करना चाहूँगा के जे अहमद साहब से कि वो आए और अपने आगे के कार्यक्रम में योगदान करें। मैं माधव सक्सेना साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने वो बहुत सी बातें की जिसके लायक में नहीं था। जो बड़े लोग होते हैं उनकी यही खासियत और यही उनकी खसूसियत होती है कि अपने छोटों को भी सम्मानित करते हैं, सम्मान देते हैं। माधव सक्सेना साहब का भी बहुत योगदान रहा है इस स्वर्ण जयंती समारोह के कार्यक्रमों में, ख़ासतौर से इस स्मारिका के तैयारी में उनका काफ़ी योगदान रहा है। आखिरी दिनों में थोड़ा उनकी व्यक्तिगत समस्याएं थीं जिसकी वजह से वो समय नहीं दे पाए थे, लेकिन पूरी स्मारिका उनकी देखरेख में तैयार हुई है। मैं और हम सब साथी उनके आभारी हैं इसके लिए। अब इसके बाद जो सेवानिवृत्त अधिशासी अभियंता हैं, मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। मोहम्मद अहमद साहब, श्री पी के मिश्रा जी, श्री के एन वर्मा जी, श्री बी आर साहू जी, श्री राशिमणि मिश्रा जी, श्री सुभाष शर्मा जी, श्री एमपी सिंह जी, गोपाल किशोर जी, श्री आनंद मोहन श्रीवास्तव जी, श्री रजित राम जी, श्री ए के सक्सेना जी, श्री कमर अहमद साहब, श्री वी के सिंह जी, श्री एसपी गुप्ता जी,
श्री एसपी गुप्ता जी। श्री अशोक कुमार माथुर जी। असलम अंसारी जी, अगर हो तो ये अभी स्टेज पे तशरीफ लें। मैं अनुरोध करूँगा शास्त्रीय बनता बहुतों से कि वो अपना स्थान हाल में ग्रहण करें। सहायक अभियंता विभाग के कर्म योगी है, विभाग के कर्म योगी है, कर्तव्य मार्ग पर बढ़ते जाए ऐसे प्रहरी है, कर्तव्य मार्ग पर बढ़ते जाए ऐसे प्रहरी है। आरईडी यूपी, आरईडी यूपी, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के कर्म योगी हैं, हम ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के कर्म योगी हैं, कर्तव्य मार्ग पर बढ़ते जाएं ऐसे प्रहरी हैं, कर्तव्य मार्ग पर बढ़ते जाएं ऐसे प्रहरी हैं। आरईडी नियंत्रण विभाग के कर्म योगी है, कर्तव्य मार्ग पर बढ़ते जाएं ऐसे प्रहरी हैं, कर्तव्य मार्ग पर बढ़ते यूपी आरईडी। श्री रामचंद्र शुक्ला जी, श्री कृपाल सिंह वर्मा जी, श्री एच एम मिश्रा जी, श्री राजेश श्रीवास्तव जी, श्री राजा राम चौधरी जी, श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव जी, श्री दयाराम यादव जी, श्री विद्यापति त्रिपाठी जी, श्री बी एस सैनी जी, श्री आर पी सिंह जी। आर पी सिंह साहब रिटायरमेंट के बाद भी आराम से नहीं बैठे हैं, सामाजिक कार्यों में भी लगे हैं और सबसे ज़्यादा कृषि कार्यों में लगे हैं। हमारे बीच में शिवशंकर सिंह जी, पी के द्विवेदी जी, अनिल कुमार वाजपेयी जी, हरगोविंद यादव जी,
एसएस गौर जी, महेंद्र सिंह जी, केपी श्रीवास्तव जी, रविंद्र नाथ जी, अशोक कुमार उपाध्याय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मनरेगा योजना को भी हमने अंगीकार किया, मनरेगा योजना को भी हमने अंगीकार किया, पीएमजीएसवाई की चुनौतियां स्वीकार किया, पीएमजीएसवाई की चुनौतियां स्वीकार किया, मुश्किल हालातों में हमने कभी नहीं इनकार किया, कभी नहीं इनकार किया, कभी नहीं इनकार किया। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के कर्म योगी हैं हम, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के कर्म योगी हैं, कर्तव्य मार्ग पर बढ़ते जाएं ऐसे प्रहरी हैं, कर्तव्य मार्ग पर बढ़ते जाएं ऐसे प्रहरी हैं। आरी डी यूपी, आरी डी यूपी, आरी डी यूपी। प्रगति के पथ पर बढ़ते जाएं ऐसा ही खाका खींचा, प्रगति के पथ पर बढ़ते जाएं ऐसा ही खाका खींचा, बड़े बागबानों ने आरी डी के गुलशन को सींचा, बड़े बागबानों ने आरी डी के गुलशन को सींचा, ग्रामीण अंचल का जनजीवन सुगम और आसान किया, ग्रामीण अंचल का जनजीवन सुगम और आसान किया, बृहद योजनाओं के संग भवनों का निर्माण किया, भवनों का निर्माण किया, भवनों का निर्माण किया। ग्रामीण कमल किशोर मिश्रा जी, नवेद अहमद खान, श्री एमपी शर्मा जी, श्री अशोक कुमार चतुर्वेदी जी, श्री आनंद किशोर राय जी, श्री देवी दयाल जी, श्री दीनानाथ वर्मा जी, श्री विष्णु तिवारी जी, श्री अयूब शेख जी, हुकुम सिंह जी, श्री प्रमोद कुमार राय जी, श्री प्रमोद कुमार राय जी, बीपी गुप्ता जी, रमेश कुमार शुक्ला जी, के जयसवाल जी, एस एन शर्मा जी, सीताराम वर्मा जी, श्याम प्रसाद जी, श्री वीरेंद्र प्रताप सिंह जी,
मैं अधिशासी अभियंता श्री नूर आलम जी से अनुरोध करूँगा कि और अभियंताओं को सम्मानित करें। श्री गिरीश चंद श्रीवास्तव जी, श्री अविनाश चंद्र शुक्ला जी, श्री बीबी सिंह, श्री गंगा प्रसाद श्रीवास्तव जी, श्री महेंद्र सिंह सोमवंशी जी, श्री विनोद कुमार पांडे जी, श्री अजय उपाध्याय जी, अजय पांडे जी, सॉरी। एक और अभियंता हमारे बीच है जो स्टेज पे नहीं आ सकते, मैं नूर आलम जी से अनुरोध करूंगा कि वो श्री राजेश सावंत जी का सम्मान करने का कष्ट करें। आर के सावंत जी, मैं अनुरोध करूंगा स्टेज पे मौजूद अवर अभियंता बंधुओं से कि वो हाल में अपना स्थान ग्रहण करें। और अब कर्मचारियों को सम्मानित करने का कार्यक्रम है। श्री कौशल किशोर जी, श्री हरिश्चंद मौर्य जी, श्री नजमी जी, श्री राम सुमेर जी, श्री शंकराचार्य जी, श्री अरुण कुमार आर्य जी, श्री दिनेश जैन, श्री मुरारी लाल वर्मा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग हाल में अपने अपने स्थानों पर तशरीफ रखें। थोड़ी देर में सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है जो हमारे विभाग के कर्मचारी और उनके परिवार के लोगों ने तैयार किया है। अब मैं अनुरोध करूंगा सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजकों से स्टेज तो एक बार क्लैप से ये इंडिकेट कर दें कि आप बिल्कुल तैयार हैं। थैंक यू। अभी काफ़ी देर से हमारे बीच में मिस्टर केजी अहमद साहब बोल रहे थे, बड़ा अच्छा बोल रहे थे। कहाँ हैं सर जी? डिपार्टमेंट का पूरा नॉलेज था। मैं चाहूंगा सर के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दें प्लीज। जो चीज दिल को और मन को अच्छी लगती है उसकी तारीफ करनी चाहिए। आपने बहुत अच्छा बोला और एक एक शब्द नपा तुला था, एक एक शब्द कई केजी का था।